जनता पार्टी की झोली के अंदर ऐतिहासिक रिकॉर्ड से पहली सीट देने का काम कर दी। साथियों, मैं भी पूछ रहा था देवेंद्र जी से कि पिछली बार कितने वोट आए, तो बता रहे थे 45,000, निशांत सिंह जी के 41,000, 41,000 और 39,000 मिला दो 80,000। और कितने वोट आए थे बराड़ा जी के? 48,000। और आज ये हालात प्रदेश के अंदर है कि जब ये 80,000 वोट एक होकर इस मैदान में उतरेंगे तो मानकर चलना फिर बराड़ा जी हो या मंत्री जी हो, दोनों की जमानत जब्त कराने। मगर 17-18 दिन हमारे हाथ में है, इन 17-18 दिनों के अंदर एक एक व्यक्ति तक जाकर चाबी के इस्तेमाल जिनको पहुंचाना पड़ेगा। आज मैं बताना चाहूंगा आपको कि प्रदेश के अंदर क्या हालात इन लोगों ने बढ़ाए। इस हरियाणा प्रदेश को जहां पर अपराध नहीं था, 4 बार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जलाया। हम बोलते हैं कि जलियांवाला बाग सबसे दर्दनाक घटना है हमारे इतिहास में। जलियांवाला बाग के बाद अगर सरकारी गोलियों से ज्यादा कोई दूसरी घटना हुई तो 40 लोगों की पंचकुला में जान लेने का काम इस हरियाणा की सरकार ने। साथियों, आज हर रोज एक मर्डर, 3 रेप, 4 डकैती होती है, पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 1 मिनट 5 साल में समय नहीं था जो आकर इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधार। आप खुद देखो क्या हालात बने अपने इस इलाके के। हर घर तक ड्रग्स पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया। नशा ऐसा फैल गया, पीछे अखबार में आई कि सैकड़ों बच्चों के एड्स जैसी बीमारी इस इलाके में। साथियों, दुख होता है देखते हुए कि ये फलता फूलता हरियाणा, जिसको हम दूध दे का खड़ा देशा में देश हरियाणा कहते थे, आज 5 साल में इस बीजेपी की सरकार ने बर्बाद कर दी। कहते हैं किसान की आय दुगनी कर देंगे। मैं भी गाड़ी में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था, कृषि मंत्री का बयान था किसान की आय दुगनी कर देंगे, और अखबार बताता है कि 5 साल के अंदर किसान की आय दुगनी नहीं हुई, कृषि मंत्री की आय 5 गुना। साथियों, अगर पूछने का काम करें बीजेपी का गुजरात मॉडल क्या है, आज हम बात करें कैप्टन अभिमन्यु जो वित्त मंत्री है, जो कहते हैं खजाने की चाबी लेकर नारबंद में बैठे, उनकी आय दुगनी होगी। बात करें उचाणा की विधायिका प्रेमलता जी, उनकी आय 2.5 गुना होगी। एक गरीब कमेरा आदमी जो आप हैंड टू माउथ हो रखा है, जब वो कोई बाजरा लेकर मंडी में जाता है, जीरी लेकर मंडी में जाता है, तो ये सरकार उस पर प्रतिबंध लगा देती है। साथियों, मैं तो आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, इंग्लिश में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये ऊपर वाला कब आपकी सुन। आज सुहाना परिवर्तन चाहता था और उस परिवर्तन की रूपरेखा एक और 11 जोड़ी के नाम पर आज आपके बीच में भेजने का काम। मेरी जब बबली जी से बात हुई और मैंने उनसे आग्रह किया कि कांग्रेस में आपने अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर मेहनत करी, काम किया और निष्ठा के साथ उस संगठन को चलाने का काम किया, राज पार्टी ने क्या आपके साथ किया उसके लिए मैं अफसोस तो नहीं कहूंगा, पर बड़ा दुख हुआ देखकर कि कैसे जो क्रोध थी, नई पीढ़ी थी पुरानी कांग्रेस के सामने तैयार हुई थी, उसकी भ्रूण हत्या पूरे प्रदेश में करने का काम। साथियों, आज एक चीज को समझो,
ये एक प्लानिंग के साथ कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर केवल मात्र यहां नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश में किस तरीके के समीकरण बनाने का काम किया। ये लोग कहते हैं कि हम 75 पार करके दिखाएंगे। साथी अगर ऐसी एक और एक 11 की जोड़ी टोहाना में आ गई और इसने मुहिम की शुरुआत कर दी है तो आखिरी छोर है। मैं आपको विश्वास दिला देता हूं हमारे बॉर्डर पे तो गग्गर है। अगर ये लोग कहे अब की बार 75 पार तो आप थोड़ा सा जोर लगा के गग्गर पार करके उनको पंजाब में भेज देगा। इन लोगों ने जिस तरीके से इस प्रदेश को खाया लूटा कहते स्कैम नहीं हुए 5,000 करोड़ रुपए का माइनिंग घोटाला इनकी सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का आज इनकी सरकार में किलोमीटर स्कीम घोटाला बिजली के मीटर जो घरों के बाहर लगा दिए गए 100 करोड़ का घोटाला इसमें एससी एसटी बच्चों की छात्रवृत्ति तो थी उस छात्रवृत्ति के अंदर भी 4 जिलों में 24 करोड़ रुपए खाने का काम किया। साथियों समझने की बात है ईमानदारी से नौकरियां नहीं दी सिर्फ हमको बरगलाया गया बहकाया गया बारी बारी कहा गया ना पर्ची ना खर्च पर इनसे पूछने का काम करे कोई अगर पर्ची चलती नहीं थी तो क्यों जुडिशरी का पेपर 1 करोड़ में अंबाड़ा में बिकता हुआ पकड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी चल रही है इसी बीजेपी की सरकार में। अगर कहते पर्ची खर्ची नहीं थी तो क्यों रेवाड़ी के अंदर नायब तहसीलदार का पेपर 2.5 लाख में बिकता हुआ पकड़ा गया आज लोग जेल के अंदर। साथियों इनने तो दुर्गति करी पढ़े लिखे युवा साथी बबली जी कह रहे थे यहां इंडस्ट्री आनी चाहिए। हम भी चाहते हैं हरियाणा प्रदेश के हर युवा के हाथ में प्राइवेट रोजगार का साधन उपलब्ध हम कराए मगर साथियों इनकी सोच क्या है। पढ़े लिखे युवा साथियों ग्रुप डी की नौकरी निकालकर इस सरकार ने भर्ती की कहते हैं ईमानदारी से किया 17,000 नौकरियों के लिए 18 लाख युवा साथियों ने फॉर्म भरे धक्के खाए फतेहबाद के बच्चे को कोई मेवात भेज दिया यमुनानगर भेज दिया आज उसके हालात ऐसी कर दी कि वो पूरी तौर पर टूट गया। मगर एक चीज समझने वाली ये पर्ची चर्ची करके ईमानदारी का ढोंग पीटते मैंने सिरसा में देखा एक वेटनरी हॉस्पिटल के अंदर क्लर्क भर्ती होकर आया पीएम भर्ती होकर आया उनके पास डिग्रियां थी पीएचडी एमसीए क्या उन बच्चों के भविष्य के साथ ईमानदारी थी या बेईमानी थी। साथियों पढ़े लिखे बच्चों को एमटेक करे हुए बच्चों को आज जाओ माली धोबी नाई की पोस्टों पर भर्ती कर उसके माँ बाप की 6-6, 7-7 साल की हायर एजुकेशन की तपस्या को भ्रमित करने का काम करे लाखों रुपए जो उसकी शिक्षा पर लगाए जाते हैं उसको जीरो करने का काम करते हैं और फिर कहते हैं ईमानदारी से नौकरी देते हैं। हरियाणा का बीटेक करा हुआ बच्चा तो लगे पीएम और गुजरात का बीटेक करा हुआ बच्चा ये सरकार एसटी इलेक्ट्रिकल भर्ती करके हमारे प्रदेश में लाती है। ईमानदारी तो देखो गुजरात मॉडल की 80 एसटी इलेक्ट्रिकल भर्ती करने थे और 79 एसटी इलेक्ट्रिकल के अंदर हरियाणा के केवल मात्र 2 पाए। साथियों इन बेईमानों से बचो अगर इन बेईमानों का राज दोबारा बन गया तो ये मानकर चलना आज 2 भर्ती हुए थे आने वाले भविष्य में 1 बच्चे को भी हरियाणा में नौकरी प्राप्त नहीं होगी। ये बर्बाद कर देंगे इस प्रदेश के युवा के भविष्य कहते हैं हमने करोड़ों रुपए विदेशों में निवेश के तौर पर लाने का काम किया और कोई पूछ ले कहां गया एक्टिंग हरियाणा का 1,25,000 करोड़ कहां गया अमेरिका की ट्रिप का 36,000 करोड़ कहां गया चाइना की बोंडो कंपनी का 70,000 करोड़। साथियों ये आंकड़े बताते हैं कि जब मनोहर लाल खट्टर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो 350 टॉप 400-500 कंपनीज हमारे प्रदेश के अंदर और जिस दिन इनने आखिरी पीसी मुख्यमंत्री के तौर पर करी तो 350 से घटकर वो 200 पे आया। ये हरियाणा का उद्धार करने का काम किया।
साथियों इनने बांट दिया समाज को, बांट दिया भाईचारे को, बांट दिया इस प्रदेश को, मगर समय आ गया अपनी एकता अपनी ताकत दिखाने की। और ताकत जब ही होगी जब ऐसी 6-6 फुट की एक और एक 11 की जोड़ी इस लोहाड़ा के मैदान को फतेह करने आता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता और एक एक साथी जो भाई देवेंद्र बग्गी जी के साथ हमारे साथ इस संगठन की ताकत बढ़ाने के लिए शामिल हुआ है, जो मान सम्मान कांग्रेस ने आपका छीना उससे सवाया मान सम्मान जननायक जनता पार्टी आपके साथी साथियों, मेरी तो एक विनती प्रार्थना आपसे, अब इनकी हालात ऐसी होगी कि दिन प्रतिदिन घबराहट में इधर की उधर की बातें करने लगे। आज एक भास्कर अखबार के अंदर मेरे बारे में लिखा और इनकी पार्टी के मुखिया ने प्रभारी ने अनिल जैन ने बोला कि दुष्यंत तो बंदर है, बंदर तो हनुमान जी का रूप है नहीं है, और जब इतने बंदर इकट्ठे हो जाए तो फिर वानर सेना बन जाती है। अनिल जैन जी ये वानर सेना तैयार हो चुकी है आपकी लंका को आग लगाने के लिए, और दशहरा भी कोई ज्यादा दूर नहीं है, चुनाव चुनाव में ही है नहीं है। तो साथियों तैयार हो जाओ, जो रावण रूपी लंका रूपी बीजेपी ने इस प्रदेश को बर्बाद किया है आज उसको आग लगाने का समय आ चुका है, इस प्रदेश से बाहर करने का समय आ चुका है। और जो आपको बंदर कहे तो फिर उसको एकता दिखाओ, वानर सेना बनकर पुल बनाओ और अपना पुल चंडीगढ़ तक लेकर चलो। और ये विश्वास दिला देता हूँ एक एक साथी जो आज जुड़ा है चंडीगढ़ जाकर उसके सम्मान में कोई कमी छोड़ी नहीं जाएगी। और ये विश्वास दिलाऊंगा कि टोहाना की जो बात भाई देवेंद्र बग्गी ने करी कि हमारे यहाँ की समस्या के ऊपर हमने जो लोगों की राय मशवरी कर जो एक मैनिफेस्टो बनाया, इतनी ताकत आपको भी चंडीगढ़ में देने का काम करेंगे कि आपकी कलम से उन समस्याओं को आप दूर करने का काम करेंगे। मगर साथियों एक निवेदन आपसे, एक एक साथी जो भाई देवेंद्र बग्गी जी के साथ है और एक एक साथी जिसने 11 महीने से इस पार्टी को खड़ा करने का काम किया, सरदार निशान सिंह जी की अध्यक्षता के अंदर दिन रात एक हमने इस प्रदेश में परिवर्तन की एक मुहिम चलाई। लोग तो हमें कहते थे कि 200-300 छोरों का टोड़ इनके पास क्या होगा। मुझे वो दिन भी याद है जब बयान दिए जाते थे ये तो गिड़गिड़ाते हुए दरवाजे पे वापिस आएंगे। साथियों गर्व के साथ बोलता कि ये प्रधान जी की मेहनत है, इनकी डायरेक्शन है, जहां हमने मेहनत करी एक 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 हल्के में जाकर। और आज जो लोग हमें कहते थे 200-300 छोरों का टोल, उनके पास तो आज 90 उम्मीदवार भी नहीं साथियों है नहीं है। और ये प्रधान जी की अध्यक्षता है जहां त्याग तपस्या दिखाकर प्रदेश के कोने कोने से एक एक मजबूत साथी को जोड़ा, और जैसे एक एक तिनका उठाकर चिड़िया एक मजबूत घोंसला बनाती है, इस पार्टी को इस मुकाम पर लाने का काम किया। और ये विश्वास है ये तपस्या जो आप सबने मिलकर करी है संगठन को इस ऊंचाई पर पहुंचाने की, आप ये मानकर चलना कि प्रदेश में दोबारा 1987 वाला माहौल हमने बनाने का काम किया। और साथियों वो तो दूर भी नहीं, आज 4 है, 20 दिन बाद 24 तारीख होगी, जब 24 तारीख को जब मशीनें टी 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 बोलेगी ये 75 पार वाले धोती पकड़कर बॉर्डर पार करेंगे और प्रदेश में आपकी सरकार बनेगी। मतलब यही